Hello students, in previous part we were discussed, we have already studied about interface and what are the phases of an interface and what are the raw material, what are the organs synthesized, how and which in which phases the organelles as well as the chemical substance, chemical composition synthesized can take place. And the next phase is, this is the M phase. M phase stands for mitosis phase. Mitosis phase. Mito, it is made up of two words, mito and oasis. Mito means third life and oasis means stage. Third life stage. इस mitosis का मतलब ये होता है कि इसमें division जो होगा वो third life structure में contain होता है. As we have studied that mitosis process completed in two phases, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, in this phase nuclear division can take place. इस phase के अंदर nuclear division होता है, nucleus का division होता है और ये phase four stages में complete होती है. This phase is completed in four stages. Four stage कौन सी? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Cytokinesis, it means the division in which cytoplasm can take place. Cyto means cytoplasm and division means division. Cyto means cytoplasm and kinesis means division. तो इसमें किसका? Cytoplasm का division होता है. Cytoplasmic division can take place after the karyokinesis. मतलब ये division बाद में होगा. Interphase के बाद पहले जो division होगा कौन सा होगा? Karyokinesis means prophase, metaphase, anaphase, telophase. These four processes occurred in M phase. और एम फेज के बाद दूसरी जो एम फेज की प्रोसेस वो है साइटोकाइनेसिस, जहां पर सेल डिवीजन होगा या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. फर्स्टली वी विल डिस्कस प्रोफेज. इट इज द फर्स्ट फेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज. एम फेज की जो पहली फेज है उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेज. प्रोफेज दो प्रकार की, अर्लियर प्रोफेज एंड लेटर प्रोफेज. It occurs two types. कौन कौन सी? Early prophase and second one is later prophase. Later prophase. How the early and later prophase process can take place, we will discuss. Suppose in interphase a cell is this one. ये जो phase हमने की थी interphase, ये सारे के सारे. इस interphase के अंदर cell कुछ इस प्रकार से consist होती है. This is the nucleus and we already studied a nucleus membrane is double layer, diploid होती है. This is the nucleus. कौन सी फेज की? ये इंटरफेज में, अभी जस्ट डिवीजन में नहीं है, अभी जस्ट सेल इंटरफेज में है. तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? जस्ट उसके बाद ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में भी ऑलरेडी स्टडी है, दीज आर द न्यूक्लियस पोर. सो दैट द सब्सटेंस इज एक्सचेंज इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड. And this is the centriole. This is the centrioles. Clear? तो इंटरफेज के बाद जैसे ही सेल प्रोफेज में एंट्री करती है तो क्या होता है? अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? जैसे ही सेल यहां से अर्ली प्रोफेज में, क्योंकि प्रोफेज में एंट्री करेगी तो प्रोफेज में अर्ली पहले, लेटर बाद में. प्रोफेज में एंट्री करेगी तो क्या क्या चीज
क्या कुछ ऐसे सब्सटेंस जो सिंथेसाइज होंगे या डिजेनरेट होंगे। जैसे ही सेल अर्ली प्रोफेज में आती है, इंटरफेज के बाद सेल में कुछ अलग प्रकार से डिवीजन होता है। दिस द सेम सेल ले लिया हमने, सेल के अंदर का सब्सटेंस यहां जो सेल आती है जैसे एंट्री करती है इसमें, तो अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिजेनरेट। यहां थी सेल मेम्ब्रेन कवर्ड थी, लेकिन जैसे ही सेल इसमें कंटेंट आती है तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट होती है। फर्स्टली तो क्या लिखा हमने, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिजेनरेट। दिस द फर्स्ट प्रोसेस ऑकर्ड इन अर्ली प्रोफेज। और सेकंड क्या हुआ, इसके ऊपर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट थे, इस सेंट्रियोल में भी डिवीजन होता है। सेंट्रियोल में डिवीजन होने के बाद सेंट्रियोल स्टार्ट टू माइग्रेट टू अनदर पोल। सेंट्रियोल क्या हुआ, दूसरे पोल की ओर स्टार्ट माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो सेकंड क्या हुआ, डिवीजन इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में डिवीजन होता है। थर्ड, जो सेंट्रियोल में डिवीजन हुआ यानी कि दो सेंट्रियोल बन गए, ये दोनों सेंट्रियोल क्या करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट पोल पे जाना, तो दूसरा सेंट्रियोल जो होगा वो स्टार्ट टू माइग्रेट टू अनदर पोल। इट स्टार्ट टू माइग्रेट एट अनदर पोल, ये दूसरे पोल पे जाना स्टार्ट कर लेता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज, जो इनमें क्रोमोजोम्स हैं वो क्रोमोजोम्स होते हैं, फर्स्टली वी टेक फोर क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स होते हैं कुछ इस वे से, थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर फोर क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर। नंबर फोर क्रोमोजोम, इस वजह यहां लिखते हैं नंबर फोर क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर। दिस द अर्ली फेज, एज द सेल्स इंटर फ्रॉम इंटरफेज टू एम फेज। एम फेज की कौन सी फेज में, प्रोफेज में। प्रोफेज की अर्ली फेज में क्या होता है, जैसे ही सेल प्रोफेज में एंट्री करती है तो अर्ली प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिजेनरेट, फर्स्ट वन। सेकंड, जो सेंट्रियोल था सेंट्रियोल में भी डिवीजन होता है, डिवीजन इन सेंट्रियोल कैन टेक प्लेस। अब सेंट्रियोल में डिवीजन होती है, सेंट्रियोल एक दूसरे का ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। इट दो माइग्रेट, जो सेंट्रियोल डिवाइड हुआ है, डिवीजन या डिवाइडेड सेंट्रियोल स्टार्ट टू माइग्रेट अनदर पोल। एंड फोर्थ वन इज, क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें फोर क्रोमोसोम है क्योंकि टू एन सेल है, तो हम फोर क्रोमोसोम के ऊपर स्ट्रक्चर करते हैं कि क्रोमोसोम प्रेजेंट इन थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर। दिस इज द अर्ली प्रोफेज। एंड इन लेटर प्रोफेज, इसके बाद सेल एंट्री करती है लेटर प्रोफेज के अंदर, लेटर प्रोफेज। इस लेटर प्रोफेज में क्या होता है, सेम वही, दिस द सेल यहां पर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ऑलरेडी डिसअपीयर्ड हो जाती है क्योंकि यहां डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गई थी, यहां न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होगी ऑलरेडी डिसअपीयर हो जाएगी और सेंट्रियोल बचेंगे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोल पे। पहली बात, यहां जो सेंट्रियोल हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, फोर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रियोल पहली बात तो क्या करेंगे, यहां पर फाइबर बनाना स्टार्ट करते हैं। सेंट्रियोल दो प्रकार के फाइबर बनाते हैं, शॉर्ट फाइबर एंड लॉन्गर फाइबर। सेंट्रियोल दो प्रकार के फाइबर बनाते हैं, सेंट्रियोल में क्या बनाए, फाइबर्स दो प्रकार के, कौन कौन से, स्मॉल फाइबर को एक और नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं एस्टर रेज। क्या बोलते हैं इनको, एस्टर रेज। और लार्जर जो फाइबर होते हैं ये दो प्रकार के, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो ये लार्जर फाइबर हैं, लार्जर फाइबर
लार्जर फाइबर दो प्रकार के कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्टली ये फाइबर किस चीज के बने होते हैं? ट्यूबुलिन के। ये फाइबर किस चीज के बनते हैं? ट्यूबुलिन। जो ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर के अंदर और सिंथेसाइज लिखा था आपने एटीपी सिंथेसाइज आरएनए सिंथेसाइज इसमें लिखा था ना, और सेल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज जो माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी के उसके साथ साथ और शो कर देंगे ट्यूबुलिन। इसमें ट्यूबुलिन भी सिंथेसाइज, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो फाइबर बनाएगा, वो ट्यूबुलिन भी यहां सिंथेसाइज होता है। तो ये फाइबर किस चीज के बने हुए हैं? ट्यूबुलिन के। ट्यूबुलिन क्या है? प्रोटीन है। सेंट्रियोल दो प्रकार के फाइबर बनाता है, स्मॉल फाइबर जिसको क्या बोलते हैं एस्टरेज, और लार्जर फाइबर जो कि दो प्रकार के कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम क्या करते हैं इसके साथ बाइंड अप हो जाते हैं सेंट्रियोल से। क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंट्रियोल से बाइंड अप हो जाते हैं। कुछ इस वजह से ये क्रोमोसोम बाइंड अप हो गए किससे? फाइबर से। अब फाइबर ये बीच वाला क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम मैंने बताया लार्ज फाइबर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जहां से क्रोमोसोम अटैच तो हैं, तो जैसे मान लीजिए फाइबर था इससे क्रोमोसोम अटैच, इनसे अटैच है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस फाइबर। और जहां से क्रोमोसोम अटैच नहीं है उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फाइबर। तो दिस इज द लार्ज फाइबर। कौन सा? कंटिन्यूअस फाइबर, कंटिन्यूअस फाइबर। एंड दीज आर द डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। दीज आर द टू फाइबर्स अराइजेस इन द लेटर फेज। क्या हुआ इसमें? लेटर फेज में क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्टली क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर। फर्स्ट तो प्रोसेस क्या हुई कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर होगा। सेंट्रियोल दस बोथ द सेंट्रियोल गोज टू द अपोजिट एंड, बोथ द सेंट्रियोल्स प्रेजेंट एट ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल। नेक्स्ट थर्ड वन क्या हुआ? जैसे ही सेंट्रल ऑपोजिट पोल पे पहुंचे, ऑपोजिट पोल पे पहुंचने के पश्चात सेंट्रल क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं। टू प्रकार के फाइबर कौन से? स्मॉल फाइबर जिनको क्या बोलते हैं? एस्टरेज, और लार्ज फाइबर दो प्रकार के कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। तो सेंट्रल प्रोड्यूस फाइबर्स, यू हैव राइट दैट, स्मॉल एंड लार्ज, क्लियर। एंड नंबर फोर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से किससे अटैच हो जाते हैं? फाइबर से। क्रोमोसोम्स अटैच्ड फ्रॉम सेंट्रोमियर टू द फाइबर्स। जो लार्ज फाइबर है वहां से सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं। जिस फाइबर लार्ज फाइबर में क्रोमोसोम अटैच हैं उनको बनेंगे डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, जिसमें अटैच नहीं उनको क्या बनेंगे? कंटिन्यूअस फाइबर्स, क्लियर। अब देखिए बेटा सेंट्रियोल एंड एस्टरेज। सेंट्रियोल क्या है? ये तो ऑर्गेनल्स हैं, पार्ट डिवाइड हुए हैं। सेंट्रियोल दो प्रकार के फाइबर, स्मॉल फाइबर को हम क्या कहते हैं? एस्टरेज। एस्टरेज विद द सेंट्रियोल इज नोन एज एस्टर, यानी दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया जाए। एस्टरेज किससे नहीं है? स्मॉल रेंज से। स्मॉल रेंज को कहते हैं, स्मॉल रेंज कहां से? सेंट्रियोल से। तो एस्टरेज प्लस सेंट्रियोल यदि आप इकट्ठा बोलना चाहें तो क्या कहलाएगा? ये एस्टर कहलाएगा, दिस द एस्टर, क्लियर। दीज आर द प्रोसेस ऑफर्ड इन लेटर प्रोफेज, क्लियर। और इंटरफेज से एंट्री करती है सेल किसमें? प्रोफेज में। प्रोफेज की दो स्टेज आई, अर्ली प्रोफेज एंड लेटर प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या कुछ कंटेंट हुआ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड लेटर फेज में इस प्रकार से, एंड आफ्टर दैट द सेल एंटर इनटू द मेटाफेज स्टेज।